इन झूठों की दुनिया में उस सच्चाई तक पहुंचना बाकी है, मंजिले राह पे चल पड़ा हूं, बस उस ऊंचाई तक पहुंचना बाकी है। भरी जेब के चर्चे जब तक भरे उसमें पैसे हैं, भरी जेब के चर्चे जब तक भरे उसमें पैसे हैं। सहूलियत तो ये है कि क्या आप खुद जैसे हैं? सहूलियत तो ये है कि क्या आप खुद जैसे हैं? और मैं कहूंगा हर बार जब कोई पूछेगा मेरा हाल, मैं यही कहूंगा हर बार जब कोई पूछेगा मेरा हाल कि मोरिया तो बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं? कि बात करते हैं अपन मारवाड़ी में। मारवाड़ी किस किस को समझ आती है यहाँ राजस्थानी भाषा? बहुत से। कि छाछ राबड़ी रा लियो सबड़का बढ़िया कि छाछ राबड़ी रा लियो सबड़का काई चमचिया चाटो, छाछ राबड़ी रा लियो सबड़का काई चमचिया चाटो, बात करनी है तो मारवाड़ी में करो, काई इंग्लिश चाटो। तो मेरी एक कविता है अभी जो राजस्थानी में लिखी थी, नहीं बता तो सही, तो हिंदी में कहें तो बता तो सही और मारवाड़ी में बता तो सही। कि जत्ती तन बिकी याद सतावे तू बिन सता तो सरी, कि जत्ती तन बिकी याद सतावे तू बिन सता तो सरी, तू काबिल हमारा छेल आबाद बिन सता तो सरी, और बाकाई बिकी छाया ईमान जैसी बावड़ा, बागाई भी की छाए मान जैसी बावड़ा, तू बिसु प्रेम करे बिन बता तो सरी। बहुत बढ़िया, वाह शुक्रिया भाई। कि राता काली करता का सा दिन हो गया तन जीवड़ा, राता काली करता का सा दिन हो गया तन जीवड़ा, देख दिन हो गया यो तो थारा मनड़ा ने जगा तो सरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बोली आवे थारी जैसी तो, बोली आवे थारी जैसी तो, अगर थारी कोई अड़चन बनियो तो आप बात केर बिन खुद से दूर भगा तो सरी। लाइफ लाइन है इसकी कि आ बात थारे समझ में आ गया तो चौकी बात है मोरिया, कि आ बात थारे समझ में आ गया तो चौकी बात है मोरिया, तू ये सब ना समझा तो सरी, तू विश्व प्रेम करे बिन बता तो सही। पोएट स्पेस से काफी जुड़ना रहा है, अच्छा माहौल है यहाँ, जो भी नया है उसको लगेगा कि वाकई में बातें हो रही है, जो अपन करना चाह रहे थे वैसा हो रहा है, तो अच्छा सीन है। थैंक यू अमित भाई, जो भी आपने कराया है, आपके मेहनत से इस पौधे को, इस बीज से जब आपने बीज डाला था तब से देख रहे हैं, आज ये पौधा बन गया है, जब पेड़ बनेगा बिल्कुल ऊंचाई लेगा। तो कि अब अपन बात करते हैं वहां पे कि खुदा ने भी जब ये जहान बनाया होगा, खुदा ने भी जब ये जहान बनाया होगा, कैसे पता चले कि कौन यहां अपना और कौन पराया होगा? कैसे पता चले कि कौन यहां अपना और कौन पराया होगा? कैसे रहूं हर वक्त, ये ख्याल भी तो उसके मन में आया होगा। कैसे रहूं साथ हर वक्त, ये ख्याल भी तो खुदा के मन में आया होगा, शायद तभी उसने माँ की शख्सियत को बनाया होगा। क्या बात, शायद तभी उसने माँ की शख्सियत को बनाया। और अब अगली बात करते हैं अपन कुछ मोटिवेशनल की तरफ कि बुलंदियां बवाल करती ना हताश करते हौसले, अगर बुलंदी है तो वो बवाल करेगी और हौसले हैं तो वो हताश नहीं करेंगे। कि बुलंदियां बवाल करती ना हताश करते हौसले, शक्ति ना शरीर की पसीना धरती सब सोख ले, और व्यक्तित्व बना ऐसा कि बखान हो तेरा बातों ही बातों में, व्यक्तित्व बना ऐसा कि बखान हो तेरा बातों ही बातों में, समय निकलते देर नहीं लगेगी ये तू ही सोच ले। बहुत बढ़िया। और ध्यान तेरा पानी की बूंद पर हो, ध्यान तेरा पानी की बूंद पर हो, घड़ा बढ़ते देर नहीं लगेगी,
बस बात इतनी कि तू इस मर्ग तृष्णित मन को रोक ले और लक्ष्य विहीन तू बन मत, लक्ष्य विहीन तू बन मत, एक दिन सफलता हाथ जरूर लगेगी। सपने देख पर जागते, क्योंकि सोते सपने होते खोखले। और हकीकत की शख्सियत के पर कट गए, हकीकत की शख्सियत के पर कट गए और झूठों के जूतों की चमक भी दारोदार। हकीकत की शख्सियत के पर कट गए और झूठों के तो जूतों की चमक भी दारोदार। तू सच बोल और जो भी बोल तोल कर बोल, चाहे कोई कितना ही भोंक ले। भाई ये कविता यही खत्म होती है। और जैसा व्यक्तित्व चल रहा है उस अकॉर्डिंग मैंने एक कविता लिखी थी, मनमोजी मुसाफिर। छूना कहां तक बात को छुपाता हूं कि मनमोजी हूं थोड़ा सा, फिर भी मन की नहीं कर पाता। अच्छा। मनमोजी हूं थोड़ा सा, फिर भी मन की नहीं कर पाता, मुझे जिम्मेदारियों की बेड़ियों ने जकड़ा है। मनमोजी हूं थोड़ा सा, फिर भी मन की नहीं कर पाता, मुझे जिम्मेदारियों की बेड़ियों ने जकड़ा है। नादानी दिखाता हूं जानबूझकर, क्योंकि मैं ये कल नहीं कर सकता। कल आया नहीं कभी। नादानी दिखाता हूं मैं जानबूझकर, क्योंकि मैं ये कल नहीं कर सकता। जो बातों से ही बुरा मान जाए उससे तो आज भी झगड़ा है। जो बातों से ही बुरा मान जाए उससे तो आज भी झगड़ा है। और आज उड़ा लो मजाक तुम भी, कल सबका आता है। आज उड़ा लो मजाक तुम भी, कल सबका आता है। मैं नहीं, समय खुद बताएगा उसका तमाचा सबसे तकड़ा है। मैं नहीं, समय खुद बताएगा उसका तमाचा सबसे तकड़ा है। और लास्ट अपनी पंक्तियों को समाप्त करना चाहूंगा और आगे चाहूंगा आप सबसे कि इन झूठों की दुनिया में, इन झूठों की दुनिया में उस सच्चाई तक पहुंचना बाकी है। इन झूठों की दुनिया में उस सच्चाई तक पहुंचना बाकी है। मंजिले राह पे चल पड़ा हूं, बस उस ऊंचाई तक पहुंचना बाकी है। हाय गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमारी दो फेवरेट वीडियोस हमने डाली हैं तो प्लीज उसे देखें। थैंक यू सो मच।